नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये देश का किसान है, देश का अन्नदाता है। अपने खेतों में अन्न उगाकर देश का पालन पोषण करने का काम कर रहा है। यहाँ ये लोग किसी रैली में नहीं आए हैं, लेकिन आप तमाम यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। ये लोग सुबह से यहाँ पर जमे हुए हैं और सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है उपकेंद्र किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड आलनपुर। नकुड़ विधानसभा का एक गांव है और यहाँ पर ये किसान सेवा सहकारी समिति है। यहाँ पर किसान लाइन में लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं भारी हुजूम यहाँ पर किसानों का है। और तस्वीरों में मैं आपको सामने से दिखाना चाहूँगा, सामने से आप देख सकते हैं अभी तक ये देखिए यहाँ पर अंदर से ताला लगा हुआ है। ये देश का अन्नदाता किसान है, देश के लिए अन्न उगाने का काम करता है। यदि सरकार की हम बात करें तो सरकार लगातार ये बात कहती है कि हम किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराते हैं, उन्हें तमाम तरीके की सुविधाएं देने का काम करते हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किसानों का हुजूम है। हम यहाँ पर ये किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित जी क्या बात है, क्यों लाइन में लगे हुए हो यहाँ पर? नहीं मिल रहा जी, यूरिया नहीं मिल रहा। कब से लाइन में लगे हो आप? सुबह से छः बजे तक। और ये गेट किस टाइम खुला है? ये 7:30 खुल गया था। तो अभी किसी को यहाँ पर यूरिया मिला है कि नहीं? ना जी मिला नहीं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? ये इनकी मशीन नहीं चल रही। किसान ज्यादा है यूरिया कम है। यहाँ है ही नहीं यूरिया। बताओ कैसे बांटेंगे? मरने ना हो रहे लोग इन्हें जी, है ही नहीं यूरिया। बताओ कहाँ से बांटेंगे? अभी इनकी भी क्या गलती, ऊपर तो यूरिया नहीं आ रहा है, सरकारी गलती है। यूरिया भेजो, पूरा भेजो। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध करा रहे हैं। वो तो दिख रहा आपने भी दिख रहा, सारी दुनिया ने दिख रहा क्या है क्या नहीं उपलब्ध। यहाँ क्या उपलब्ध है, यहाँ सबने दिख रहा 300 कट्टे हैं यहाँ। अरे आप देखो कितने लोग हैं। तो यहाँ पर ये जो बता रहे हैं यहाँ पर 300 कट्टे यूरिया खाद के हैं और पब्लिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसानों की संख्या आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान हैं और भी यहाँ पर किसान यहाँ हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? ओम कुमार जी कहाँ से आए हो आप? पचकुते जी। आपको कितने कट्टों की आवश्यकता है यूरिया के? 12 कट्टे जी। 12 कट्टे तो अभी तक एक आधा मिला या नहीं? एक भी मिला जी, मिला नहीं जी एक भी। यहाँ पर और भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है जी? काका पचकुआ जी। काके जी क्या मामला है यहाँ पर, ये इतने किसान इकट्ठे हुए हैं, खाद क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या समस्या है? जी ये तो बहुत दिनों से ऐसे ही प्रोग्राम चल रहा है इनका। जिस सोसाइटी में खाद आवा या पब्लिक ऊँगा भाग जा, ऊँगा तो फिर ताड़ा लग जा, फिर इंगा भाग गया वह। बताओ ऐसे ही ताड़े लग रहे हैं। अभी आधा आधा घट्टा बनता हुआ है, जिसका 50 बीघे गेहूँ है, यो बताओ आधे घट्टे ने कह में घेरा का इसका बढ़िया यू भी ना हुआ है ना जी। तो यू भी बंद कर दें बस, और क्या थी, फिर ऐसे हरो मार देंगे और अपने ये भी अन्न ले लियो, फिर किसान पता क्या ले लेंगे। सवाल ये है, सरकार ये बड़ा दावा कर रही है कि किसानों को समय पर बीज खाद उपलब्ध करा रहे हैं, यह झूठी सरकार है। बताओ कौन सा किसान कह सके कि उसका पेमेंट हो रहा या क्या हालत हो रही। वो हमारा सेंटर है, देखो आप जाएगा वहाँ पे एक पर्ची है रही और अगले पे गन्ना खड़ा 100 बीघे एक पर्ची में हो जाएगा वो। सरकार तो 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर रही है, तो कौन सा किसान कह देगा? वो तो कहते हैं टोडरपुर फैक्ट्री चलती करा देंगे, है जी टोडरपुर फैक्ट्री चलती करा देंगे, वो पटपट लग गई जान, सारा लोहा बेच दिया उसका। अरे गन्ना मंत्री तो ये बात कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिले बंद है उन्हें चलवाने का काम कर रहे हैं। झूठा है, झूठा झूठा हो, ये सब झूठे है एक डबा, कोई सच्चा नहीं है। अखिलेश आवागा तो ऐसा बचावागा लोगों ने, अन्य बचते नहीं है। आप एक बात बताइए, यदि आज आपको खाद नहीं मिलता है, फसल आपकी तैयार खड़ी है, आपको खाद डालना है, तो किस प्रकार का नुकसान आपका होगा? नुकसान यू है, पानी तो दे नहीं सकते, वह सूख जाएगी, फिर क्या करेंगे, हैरो ही मारेंगे उसमें बस, और क्या होगा। क्यों जी हैरो मारेंगे उसमें, लास्ट में यही काम है फिर किसान पे, क्योंकि अगर खाद नहीं करेंगे तो फसल नहीं होनेगी, नहीं पानी देंगे वो भी बेकार ही ना। आप बताइए जी आप कहाँ से आए हो? पचकुआ से हैं जी। पचकुआ से आप आए हो, तो यहाँ पर लाइन में कब से लगे हुए हो आप, ये बात बताओ? 8 बजे से लगे थे जी, आ गए। आज ही लगे हो या पहले भी लगे? जी आज ही। तो संभावना है खाद मिलेगा आपको या नहीं? जी आधा आधा घट्टा बांटे में आया, देखे मिलेगा नहीं जी। हमारे बाप को ना कहते करे ना खाद मिला, वहाँ अभी तो जी होंगे लोग, हमारे बाप हर जी होंगे,
क्या उन्होंने मारता खाने ना दिया, उन्हें नहीं दिया क्या खाने ना, मारे बाप भरना बाप भरना क्या जी सरकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान कहीं ना कहीं नाराज है और खाद ना मिलने की वजह से परेशान है। आपका क्या नाम है जी? साबिर। साबिर जी आप कहाँ से आए हो? बेड़ा कला। तो यहाँ पर ये जो ताला लगा हुआ है आप लोग परेशान है, खाद मिलेगा या नहीं? पहले डीएपी पर आज करी डीएपी पर एक गट्टा जबरन लाइन में लग के मिला धक्को से लोगों ने, अभी यूरिया पाई ये रहा, यूरिया का टाइम है यूरिया नहीं, डाई का टाइम है डाई नहीं, यही हालत चल रही सारे काम की। कितने खाद की आपको आवश्यकता है ये बात बताओ? 15 गट्टों की आवश्यकता है, 15 गट्टों की आवश्यकता है। अगर 2 भी मिल जाए तो 2 ने लेके मैं सबर तो जा रहा करो, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे, 1 भी नहीं मिल रहा। आप बताओ बाबू जी आपका क्या नाम है? अजय मेरा नाम ऋषि है। कहाँ से आए आप? बचकुए थे। आपको कोई दिक्कत नहीं है? लोग यहाँ पर अच्छा खाद ना भी मिला, मारा बाप के अल्लाह धाम छत है उसका, जिब भी हम जी है नए खाद में लगा नहीं सही सब रहा और फसल सूख जाएगी। होनी चाहिए सरकार, यही होनी चाहिए। ये लोग जितना खड़े पुच्छो कौन सा तंग है सरकार में, सबके झोटे आमदनी रात ने बुग्गी ले गए चोर खोसा झोटो ने। आप ये यहाँ पर ये जो किसान खड़े हुए हैं लाइन में खड़े हुए हैं हजारों किसान हैं यहाँ पर, ये आपको नजर नहीं आ रहा ये तंग नहीं है क्या? सरकार पे उंगली ना उठाओ, सरकार पे उंगली ना उठाओ, सरकार ठीक है, सरकार बढ़िया है, सरकार पे उंगली ना उठाओ। आप कर्मचारी भी तो सरकार के अंडर में है, कर रहे हैं लुचपड़ा कर सप्लाई करता है माल ने, जो बचा माल बच जाए खराब बचा उन्हें सप्लाई करता आगे तक गए। सरकार गलती का एड्रेस, कोई गलती नहीं उसमें है, ये तो हर सरकार में होता है। एक बात बताओ, यदि आज आपको खाद नहीं मिलता है तो फसलों में नुकसान होगा या नहीं? अगले हफ्ते मिल जाएगा, फसल थोड़ी सुक्कड़ नगरी बाल, फसल में कोई नुकसान नहीं होने का, खाते कोई नुकसान नहीं होने का। 300 कट्टे यहाँ पर मौजूद हैं और हजारों की संख्या में किसान खाद सबने मिलेगा, एक का कट्टा, एक कट्टा में सबने मिलेगा खाती हूँ। 8 दिन बाद फिर खाता है ना गड्डिया रिया मंगलपुर में, फिर गड्डिया लेगी यहाँ से जी। सरकार की गलती नहीं है, ये सिस्टम नहीं बन रहा, इनके इनके पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, खात है, सिस्टम नहीं बन रहा, बस ये दिक्कत है रही और कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, आप यहाँ पर हजारों की संख्या में हैं, अभी किसी को खाद मिला है या नहीं? मिला तो जी, कहाँ से मिल जाए जी? लाइन में खड़े हो रहे हैं, पंचा पड़ रहा है, कर्मचारी नहीं काम कर रहे हैं, कर्मचारी बाबाजी है, ये कर्मचारी नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं है, है, है तो काम नहीं कर रहे बड़ा सिस्टम कोई है, ये पुलिस वाले बुलाओ यहाँ से, दो आदमी इकट्ठे इसमें भीड़ है, खाद उपलब्ध है, खाद है, खाद अंदर है इसमें, पर यहाँ कौन व्यवस्था बनाओगा? पुलिस पुलिस चाहिए यहाँ से। लेकिन मेरे भाई समस्या ये है, जो इतने किसान हैं कट्टे तो खाद के 300 हैं, दो बांटा होगा, दो कट्टे बांटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बांटा होगा, एक होगा फिर गड्डी आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो किसान है यहाँ पर खाद के लिए लाइन लगे हुए हैं और ये स्थिति यहाँ पर केवल इस किसान सेवा सहकारी समिति की नहीं है, यहाँ पर यदि जनपद सहारनपुर की हम बात करें तो हर किसान सेवा सहकारी समिति में इसी प्रकार किसान लाइनों में लगे हुए हैं और यूरिया खाद के लिए तड़प रहे हैं। यहाँ पर और भी किसान हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अरे नुकाय सरकार ने खाद बचा था, दुनिया बरान हुई है नुकाय से, सरकार तो ठीक जरूर आया, अगर खाद तो बचा था दुनिया बरान हुई इतनी। लेकिन यहाँ पर ये जो किसान है ये तो कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं है, खाद मिले जब भी ठीक है, नहीं मिले जब भी ठीक, खाद बचाओ यो, खाद बचाओ यो। आपको क्या उम्मीद है मिलेगा आज खाद या नहीं? आज मिलता नहीं सारा खाद, बस आज सारा जितने आदमी है एक एक आधा कट्टा शुरू मिला है, अगले बार खाद मिला है, नुकसान होगा फसल में, नुकसान तो ही रहा है, जो पाने टाइम तो जारे लिखा खाता गिरने का टाइम, वे क्या करेंगे उसका? लेकिन सरकार का तो बड़ा दावा है कि हम किसानों को समय पर बीज खाद उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब कहा चाहिए खाद बनवा लो, हाँ तो बस एक गड्डी कर लो मंगवा दे आशा बस नहीं कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नकुड़ विधानसभा का गांव पचकुआ है और ये जो किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड आलनपुर है, यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और सुबह 6 बजे से यूरिया खाद के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको ये भी दिखा सकते हैं, सभी अपने वाहनों से आए हुए हैं, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसान अपने वाहनों से आए हैं और लंबी लाइन लगी हुई है। इधर भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा उधर भी दिखाएं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार का बड़ा दावा है कि हम किसानों के लिए समय पर बीज खाद उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ये लोग 6 बजे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक किसी भी किसान को यहाँ पर खाद नहीं मिला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।